दिस इज शीप ब्रीडिंग फॉर्म हड़ताल एंड टुडे वी विल विजिट दिस प्लेस और देखेंगे कि यहाँ क्या क्या चल रहा है और कैसा कैसा हो रहा है। सफाई का काम और ये है ब्रीडिंग फॉर्म में। आज हम जानेंगे कि ये शीप ब्रीडिंग फॉर्म किस उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें किसानों को क्या फ़ायदा मिल रहा है। बहरहाल काम जोरों पर है। सारा क्षेत्र शीप ब्रीडिंग फॉर्म का है। बात करेंगे यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर मुंशी कपूर जी से कि क्या क्या चल रहा है और इसका क्या फ़ायदा इनको मिल रहा है। हम आज ताल स्थित भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र में यहाँ पर आए हैं और ये संस्थान 1965 से चल रहा है। इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये किसानों के लिए कितना लाभप्रद फायदेमंद हुआ है और यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटीज जो हैं इनकी भेड़ों की या साथ में बकरी की तरफ भी इन्होंने कुछ काम किया है या नहीं, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुंशी कपूर। ये आजकल इस भेड़ प्रजनन केंद्र के इंचार्ज हैं। डॉक्टर साहब नाइस टू मीट यू। डॉक्टर साहब बताएं इस भेड़ प्रजनन केंद्र का क्या उद्देश्य है और किस ये जो हमारा सेंटर है शीप ब्रीडिंग फार्म, ये 1965 में एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मेन उद्देश्य स्थापित करने का जो था वो ये था कि जो हमारे यहाँ की जो गद्दी नस्ल की भेड़ है और उसको जो है उसकी नस्ल को जो है वो सुधारना है। नस्ल के सुधार में जैसे उसका जो बूल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, उसका जो बूल यील्ड है वो बढ़ानी है, प्लस साथ में जो उसका बॉडी वेट है, क्योंकि जो हमारी यहाँ की स्थानीय नस्ल है उसका जो वजन है वो कम होता है और उसको जो है विदेशी नस्लों के साथ क्रॉस करके जो है मेन उद्देश्य इसका यही था। जो हमारे यहाँ के शेफर्ड्स हैं उनको जो है अच्छे रिटर्न मिले, तो इसी वजह से जो है इस केंद्र की स्थापना की। ऑस्ट्रेलियन मेरिनो को भी यहाँ पर लाने की बात की गई थी, क्या वो आई और उसका क्या रिजल्ट सामने देखने में? जी, जो यहाँ पे हमारी जो ब्रीडिंग पॉलिसी है उसमें हम यहाँ गद्दी जो हमारी नस्ल है उसको रेम्बुले के साथ क्रॉस करते हैं और उसको 75% तक जो है उसमें रेम्बुले के गुण प्लस 25% जो है हमारे यहाँ के गद्दी के गुण। और यहाँ पे जो ब्रीड डेवलप हुई है उसका नाम है हिमताल मेरिनो। और जो आप ऑस्ट्रेलिया मेरिनो की बात कर रहे हैं वो अभी 2 साल पहले ही जो है नगवाई में जो हमारा एक रैम सेंटर था वहाँ पे अभी वहाँ 200 भेड़े तथा 40 जो मेंढे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से जो है आयात करके जो है वहाँ पे स्थापित किए गए हैं, वहाँ उनका प्रजनन कराया जा रहा है और जो उनकी प्रोजनी आ रही है उसको जो है फिर हम फार्मों में तथा जो हमारे प्रगतिशील जो भेड़ पालक है उनको जो मेल प्रोवाइड करेंगे, उससे जो उनकी ऊन और मीट जो है बढ़ेगा। ये जो प्रजनन केंद्र है शीप ब्रीडिंग सेंटर, इसमें अक्सर ये देखने में आया है कि जो फील्ड स्टाफ है, जो हेल्पिंग स्टाफ है, उसकी बार बार कमी की शिकायतें आती रही हैं, तो उसमें क्या सफिशिएंट स्टाफ है आपके पास अभी या अभी तक भी वही स्थिति बरकरार है? नहीं, उसमें ऐसा है जो हमारा ये फार्म है यहाँ पे अक्सर जो है जो हमारा फील्ड स्टाफ है जो हमारे यहाँ परिचारक है, पशुपालन परिचारक है, वो अक्सर आने से कतराते हैं क्योंकि जो यहाँ पे की जो हमारे दिनचर्या है वो फार्म की जो है हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों से अलग होती है। यहाँ पे 24/7 भी काम करना पड़ता है कई बार, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे कोई भी फार्म है, जैसे हमारा चाहे वो शीप फार्म है, चाहे हमारा वो गोट फार्म है या हमारा जो ये कैटल फार्म है, फार्मों में जो है वो स्टाफ की कमी रहती है। लेकिन अभी जो हाल में अभी दैनिक भोगी बेलदार अभी अपॉइंट किए हैं जिले में, तो उसमें से 10 में से हमें
8 जो है वो हमें मिले हैं। अभी थोड़ी जो है उसमें सुधार हुआ है, अभी 2 महीने पहले ही उनकी नियुक्ति जो हुई है। टोटल पोस्टें कितनी है यहाँ पर और अभी आपकी खाली कितने हैं अलग अलग कैटेगरी? हमारी जो एक्चुअली इस टाइम जो हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें जो हमारे पशुपालन परिचारक है उसकी जो सेंक्शन पोस्टें हैं वो 16 है, जिसमें कि 14 पशुपालन परिचारक और 2 जो है वो रात्रि चौकीदार है। लेकिन जो अभी भरी हुई है उसमें हमारे पास अभी 7 जो है वो रेगुलर है और 8 अभी आगे हैं। तो लगभग यानी कि अभी जो है हमारे स्टाफ की जो कमी है वो लगभग पूरी हो गई। आपके जो बैटन शेड हैं जी, उनकी क्या हालत है? वो भी सुनने में उसमें भी कुछ कमी थी? नहीं, उसमें ऐसा है जो हमारा जो 2 शेड है मेन यहाँ सीप के, उसमें एक में जो है वो बैटन है फ्लोरिंग है, दूसरे में जो है वो नीचे कच्चा फ्लोर है। तो उसमें कोई ऐसा कमी नहीं है, वो 2012 में जो है उसको रेनोवेट किया है। तो अभी हमारा जो हाफ फ्लॉक है वो बैटन पे है और हाफ जो है वो दूसरा। कितने आपके पास एनिमल्स हैं अभी? जो हमारे इस फार्म में जो है 2 फार्मों के एनिमल है, क्योंकि जो एक हमारा सरौल में था चंबा में फार्म, वहाँ क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनने की वजह से जो ऊपर क्षेत्र जो है वो हमारा वहाँ उनको मेडिकल कॉलेज को चला गया, तो वहाँ का लाइफ स्टॉक जो है वो भी यहाँ शिफ्ट हो गया 2017 से, सितंबर 2017 से वो भी यहीं पल रहा है। तो अभी वर्तमान में हमारे पास 600 के लगभग जो जानवर हैं भेड़े हैं वो अभी यहाँ पल रही हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल? ये जो आपका नया कुछ बन रहा है जी, ये क्या है इसका थोड़ा सा? ये जो है ये अभी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत RKVY के अंतर्गत जो है 1 करोड़ रुपए का जो है बीटल गोट फार्म यहाँ जो है स्थापित हो रहा है। इसमें अभी जो है वो बिल्डिंग है जो है 2 इसकी बन चुकी हैं और इसके आगे जो अभी हम इसमें एनिमल जो है 100 इसमें हम बीटल नस्ल की बकरियां तथा 10 जो है वो बकरे यहाँ रखेंगे, उसका यहाँ प्रजनन होगा और फिर जो हमारे जो है भेड़ पालक या बकरी पालक किसान उनको जो है यहाँ से हम शुद्ध नस्ल की जो बीटल की बकरियां हैं उसके मेमने जो है वो आगे उनके फार्मर्स को शुरू होगा। ये अभी काम चला हुआ है, जैसे PWD हमें हैंड ओवर कर देगी अभी हो सकता है 1-2 महीने में जो है इसका काम लगभग अभी कम्प्लीशन ही है, अभी बिजली का काम चला हुआ है, बाकी तो लगभग जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो पूरा है। पिछले साल ही एक जो है फॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है 1,07,00,000 का, उसके अंतर्गत जो भी हमारा फार्म का 3 हेक्टेयर एरिया है उसमें हमने जो है प्लांटेशन करनी है, रूट्स तैयार करनी है और 5 साल का ये प्रोजेक्ट है फेज्ड मैनर में। उसके बाद जो है वहाँ जो रूट्स या फॉर्डर तैयार होगा वो फार्म के लिए और जो सरप्लस होगा जो हमारे गौ सदन है उनमें जो एनिमल पल रहे हैं उसमें यूज होगा, तथा जो यहाँ से रूट्स और प्लांट्स उसकी जो सैपलिंग्स हैं या प्लांट्स के होंगे वो जो है हम फार्मर को उपलब्ध करवाएंगे। तो इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये 1965 में बना था और उसके बाद नया कोई इसमें कोई नई एडिशन हुई, तो अभी हाल में ही यहाँ पे 16,16,00,000 रुपए का जो है एक जो NLM के अंडर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है वो भेजा हुआ है, गवर्नमेंट को सबमिट किया है, अगर उसकी अप्रूवल आ जाती है तो उसमें सारा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लस जो हमारा पास्चर मैनेजमेंट का एरिया है, साथ साथ में जो यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर जिसमें कि हॉस्टल भी की सुविधा भी होगी, क्योंकि जो भी लोग यहाँ बच्चे आते हैं या कोई फार्मर यहाँ ट्रेनिंग के लिए आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था उसमें सारा उसका बंदोबस्त होगा, एक फैकल्टी के लिए गेस्ट हाउस होगा, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, स्टेट को किया है, स्टेट से वो सेंटर को जाएगा। ओके, ठीक है।
वेटनरी फार्मासिस्ट, कैसा लग रहा है यहाँ पे, क्या सीखने में मिल रहा है आपको, भेड़ें कैसे रहनी रहती हैं, उनको किस तरह से मैनेज करना है, डेली रूटीन क्या है और शेड्स कैसे बनने हैं, ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में आ रही हैं, तो क्या इसका फ़ायदा आगे आने वाले वक्त में आप किस तरह से यूज़ करना चाहेंगे? डे में जो आपने सीखा वो क्या आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल गया और मैनेजमेंट अच्छी है। चलो आप अपना नाम बताएं। अच्छा, और आपका? प्रियंका ठाकुर। आरती। आरती, ठीक, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फीड प्रिपरेशन होगी और उसके बाद जो है फिर भेड़ों को उनके अनुसार जो उनका रूटीन है सर, थोड़ा इसका नंबर दे रखा जी, 5 फीट हाइट पे है, तो जो भी इसकी ड्रॉपिंग है वो सारी नीचे ये देवदार का है। हाँ, लकड़ी है और इसमें गुलाई कम कर दी है पहले से, हेलो सर, मैं तो हेलो कल्याण में है जी, कल्याण जैसे जब इनकी फेरी करते हैं दो बार ना, उसके बाद उसके एक हफ्ते के बाद इनको इसमें जो डिप्टी दिया जाता है। हाँ जी, हाँ इसमें है ना, इसमें दवाई डालते हैं ना, ये दो साइड बने Thank you.
तो कितना ये आपने इसमें साल किया है? इसकी जो है जैसे जो अभी अक्टूबर में आएगी ना उसमें तो हमारी कोई 450 और जो अभी पीछे अप्रैल में वो थोड़ी कम होती है उसमें तो हमारी 2.5 क्विंटल आई थी। अभिषेक तू मार इधर नहीं है, तू मार फोन मार इधर नो Yeah.